इंदौर में पर्यटक स्थलों पर लगे प्रतिबंधों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मौसम विभाग से चर्चा के बाद पर्यटक स्थलों को खोल दिया जाएगा। पर्यटकों के घूमने के लिए हेरिटेज ट्रेन चलाई जा रही है। पर्यटक ट्रेन के जरिए पर्यटन स्थल पर घूम सकेंगे, लेकिन भ्रमण के दौरान किसी भी पर्यटक को ट्रेन से उतरने की इजाजत नहीं है। अगर कोई पर्यटक ट्रेन से उतरता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हेरिटेज ट्रेन को अलाउ किया था हम लोगों ने, उन्होंने स्टॉपेज थोड़ा कम किया था वहाँ पर, ताकि जो हेरिटेज ट्रेन में मूव करने वाले लोग हैं वो ट्रेन में यथासंभव रहें या उधर के स्टेशन पे ही रहें, नीचे ना जाएं समय कम करने से। तो ट्रेन परमिटेड थी वो, और पर्यटक अगर कहीं गए होंगे तो वो स्थानीय प्रशासन की त्रुटि है, वो ऐसे लोगों की गाड़ी जब्त करके और उनके खिलाफ सेक्शन 188 में FIR करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से अभी ये लास्ट स्टेज था इसका, बारिश का। मौसम विभाग से बात करेंगे, अगर वो बोलते हैं कि आने वाले समय में बड़े स्पेल नहीं आएंगे तो ये जो काई लगी हुई है पत्थरों में, ये 3-4 दिन धूप में सूखेगी, उसके बाद फिर हम लोग अलाउ करेंगे लोग।